देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया मतलब मौसम हुआ। मैं छत पे हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाया ही, नीला नीला आसमान दिखाया और ये हरी भरी धरती देखिए। मतलब कहा जाता है सच में, कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि प्रकृति अपने आप में सुंदरी है। प्रकृति जो होती है वह सुंदरी होती है। और आप लोग खुद देख रहे हैं, सामने खुद देखिए कि मतलब इतना बढ़िया मौसम हुआ है। मतलब क्या मतलब, इतना खूबसूरत लग रहा है पूरा पूरा। आप लोगों ने आसमान भी देखा, देखिए आसमान देखिए क्या है यार, वाह क्या है यार। मतलब कभी कभी फुर्सत हो तो आप लोग अपने घर की छत पर चढ़े जाइए। मतलब सावन के महीने में बारिश वरिश आए, कभी फुर्सत हो तो छत पर चले जाइए और फिर थोड़ा देर देखिए। कभी कभी एकांत में बैठकर सोचिए, देखिए कम से कम प्रकृति। जो कहा जाता है ना कि हमारे हिंदू दर्शन में कहा गया है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति का पांच ऋण होता है, पांच तरह के कर्ज होते हैं व्यक्ति के पास, पंच ऋण होता है जिसे पंच ऋण कहते हैं। उस पंच ऋण की पूर्ति के लिए ही हम पंच महायज्ञ करते हैं। भूत ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, यज्ञ ऋण और पितृण, इस तरह से होता है। पंच ऋण होता है उसके लिए पंच महायज्ञ करते हैं, भूत यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ और इस तरह से, मुझे भूल भी रहा है, इस तरह से पंच ऋण होते हैं। पंच तरह के उस पंच ऋणों की पूर्ति के लिए हम पंच महायज्ञ भी करते हैं। तो उसी में जो भूत यज्ञ दिखा, भूत यज्ञ है, पंच ऋण में भूत ऋण है और भूत यज्ञ है। तो भूत ऋण का मतलब ही होता है कि प्रकृति, मतलब प्रकृति का कर्ज। अब आप सोचिए हमारा दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन कितना समृद्ध है कि उसमें भूत ऋण की बात की गई है। भूत ऋण मतलब प्रकृति का कर्ज, मतलब ये जो हरी भरी धरती है इसका भी कर्ज है हर व्यक्ति के अंदर। और आप लोग देखिए, और आज व्यक्ति कितना मतलब कृतघ्न हो गया है कि प्रकृति का सिर्फ दोहन करना चाहता है, उसको कुछ देना नहीं चाहता, उसे निहारना भी नहीं चाहता, उसका उपकार भी नहीं मानता है। और आप लोग देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अगर इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ये मौसम। और आप लोग देख रहे हैं उधर जो नहर दिखाई दे रही है, एक नहर है उधर, देखिए वह जो उधर नहर है, ये नहर जो है इसे मतलब ये जो नहर है इसे नारायणी शाखा बोलते हैं। नारायणी शाखा मतलब ये नहर जो है नेपाल से आ रही है। और आप लोगों ने गंडक नदी का नाम सुना होगा, तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी बोलते हैं, नारायणी या शालिग्राम नदी। तो उसी नदी से निकली हुई है ये नहर जो इधर देवरिया तक जाती है। तो ये और ये देखिए प्रकृति, देखिए ये कितना बढ़िया मौसम लग रहा है। मतलब पूरा का पूरा ये आसमान कितना अच्छा लग रहा है, ये धरती कितनी अच्छी लग रही है। और आप देखिए वह नहर, देखिए नहर जो नेपाल से आ रही है। अब आप लोगों की जानकारी लिए बता दें, ये पूरा का पूरा ये इस नहर पे मुझे याद है, आज भी याद है कि लगभग जब मैं छोटा था तो इस नहर पे बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, शीशम के वृक्ष ज़्यादा थे। और आज आप लोग देख लीजिए कि इस पुल से लेकर उस पुल तक, वह बहुत उधर आपको पुल दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ दो वृक्ष हैं और वो भी सूखे हुए हैं। इतने बड़े मतलब क्या कहा जाए, मतलब ऐसे ऐसे लकड़हारे हैं, लकड़हारे क्या, ऐसे ऐसे गांव वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। मतलब हर व्यक्ति ही कृतघ्न हो गया है, प्रकृति का दोहन करने वाला है कि पूरा का पूरा पेड़ ही साफ कर दिया, एक पुल से उधर पुल तक कोई वृक्ष ही नहीं है, पूरी प्रकृति साफ हो गई है यहाँ पर, देखिए। तो इस तरह की स्थिति है। अब आप खुद सोचिए मैं यहाँ से वहाँ तक कितने, मतलब कम से कम 200 के करीब पेड़ वृक्ष रहे होंगे और सारा का सारा वृक्ष लोगों ने काट दिया। और यही स्थिति सेम टू सेम यही है कि अगर कोई सड़क बनता है, आप लोग जानते हैं सड़क बनता है, तो सड़क जब चौड़ा होता है तो उसके जो किनारे किनारे वृक्ष होते हैं काट दिए जाते हैं। और यही मैं देखा हूँ कि गोरखपुर जनपद से लेकर महाराजगंज जनपद के बीच में जब यह चौड़ी हुई है सड़क, कम से कम समझिए हजारों लाखों वृक्ष काट दिए गए हैं। और सरकार लगवाती किया है, फिर उस वृक्ष के पास किसी अंग्रेजी पौधे को रूप देती है, मतलब बीच बीच में, और वो अंग्रेजी पौधा भी 2-4-5 महीने बाद सूख जाता है, क्या मतलब निकल करता है। मतलब कि सरकार को मतलब चौड़ा करना चाहिए, लेकिन फिर वृक्षारोपण पर भी बल देना चाहिए। और खुद देखिए यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बताइए। अब पूरा का प्रकृति का दोहन करने का अधिकार किसने दिया, पूरा इस पुल से लेकर उस पुल तक कोई वृक्ष ही नहीं है, खुद देखिए। और ये हर जगह की हाल है यार। कहा जाता है ना कि ये कहावत है कि जो संपत्ति सरकारी है वह संपत्ति हमारी है। तो जो संपत्ति सरकारी है, अगर नहर के पास कोई वृक्ष है, सड़क पर कोई वृक्ष है,
तो उसको हर कोई काट ले जाएगा और उसे बोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मतलब सरकारी संपत्ति का मतलब सरकारी संपत्ति क्या है, सरकारी नहीं, इसे प्रकृति की है और इस तरह से किसी का दोहन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए यह बातें हैं। तो कुल मिलाकर मैं छत पर बैठा हुआ था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो एक खूबसूरत ब्लॉक आप लोग के लिए बनाया। अब आप सोचते होंगे इस कैमरा बस ऐसे रखा हुआ है, बस इतना ही दिखा रहा है, तो मैं इधर से ही दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं सिवान पूरा इधर से ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं आप लोग को जागरूक कर रहा हूँ कि आप लोग प्रकृति का मजा लीजिए, अगर थोड़ा बहुत समय बचा हो तो कुछ थोड़ा बहुत अपने प्रकृति को भी निहारिए, इसको भी ताड़िए। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं ताड़ना चाहिए, प्रकृति को भी ताड़ना चाहिए। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।